मैं हूं उषा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कैनेडियन अरकान पार्लियामेंट का यरूशलम का दौरा, वफ में 2 लिबरल और 3 कंजर्वेटिव अरकान समेत 60 अफराद शामिल। दौरे का मकसद इसराइल के साथ इजहार यकजहती करना था। 24 मिलियन डॉलर सोने की चोरी में लापरवाह तर्ज अमल की तर्दीद, एयर कैनेडा ने खुद पर लगे इल्जाम को मुस्तरद कर दिया। एयर कैनेडा का कहना है कि अपने कैरिज के मुआहदों को पूरा किया। गैर मुल्की रियासतें सोशल मीडिया के जरिए कैनेडियंस को निशाना बना रही हैं। कैनेडियन खुफिया एजेंसी ने खबरदार कर दिया। CSIS को गैर मुल्की दहशत गर्दों के नौजवान कैनेडियन तक पहुँचने पर भी तशवीश। ट्रंप को अमेरिका का सदर नहीं होना चाहिए, साबिक मुआवनीन रिपब्लिकन पार्टी में ट्रंप के बढ़ते गलबे से मायूस। साबिक मुशीरों का कहना है कि वो ट्रंप की उम्मीदवारी को नाकाम बनाने की कोशिशों पर भी गौर कर रहे हैं। हेडलाइंस आपने जानी और अब शामिल करते हैं खबरों की तफसील। लॉन्ड्री इज नो लॉन्गर अ हैसल। Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lighto Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lighto Immigration. Canada ke membrane parliament ka ek group Yerushalayim pahuncha, jiska maqsad Israel ke sath yakjahti ka izhar karna tha. Mazeed jante hain is report mein. कनाडा के मेंबरान पार्लियामेंट का एक ग्रुप यरूशलम पहुंचा, जिसका मकसद इसराइल के साथ यकजहती का इजहार करना था। 5 अरकान पार्लियामेंट, जिनमें 2 लिबरल और 3 कंजर्वेटिव शामिल थे, तकरीबन 60 अफराद के एक बड़े वफ्द का हिस्सा हैं, जिसमें कनाडा के यहूदी रहनुमा भी शामिल हैं। वो अपने कुछ इसराइली हम मनसबों से मिलने और 7 अक्टूबर के हमास के हमले के मुतासरीन को खराज तहसीन पेश करने का इरादा रखते हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वफ्द हमास के हमले के सदमे और नुकसान के बारे में सीखेगा और इजरायली आवाम के अज़म, बहादुरी और समाजी जिम्मेदारी का तजर्बा करेगा। मिशन के मकासद में से एक और ग्रुप के लिए मुरम्मत और तामीर नौ की सरगर्मियों में हिस्सा लेना और इजरायल की तामीर नौ और बहाली में इंसान दोस्ती के अहम किरदार को तलाश करना है। ये ग्रुप कई दिनों तक ज़मीन पर रहेगा और इस दौरान वो जिंदा बच जाने वालों और कफ़ार अज़ा के हीरो से मुलाकात करेंगे, जो गजा की सरहद के करीब एक कबूतर है जिसने 7 अक्टूबर को हमास के हाथों मारे गए अरकान को देखा था। एक इंटरव्यू में लिबरल MP एंथोनी हाउस फादर ने कहा कि इस दौरे का मकसद अराकीन पार्लियामेंट को 7 अक्टूबर को किया हुआ और इसराइली हुकूमत के क्या मंसूबे हैं, यरगमानियों के अहल खाना से मुलाकात करना और उनकी फौरी रिहाई का मुतालबा करना है। एंथोनी हाउस फादर ने कहा, मैं इस बात को यकीनी बनाना चाहता हूँ कि इसराइलियों पर वाजे हो कि कैनेडियन उनकी हिमायत करते हैं। इस दौरे पर कंजर्वेटिव मेंबरान पार्लियामेंट में डिप्टी लीडर मेलिसिया लेंटमैन और मार्टी मोरांटिस हैं, जो दोनों यहूदी भी हैं, और मिशेल रैम्पल गार्नर मार्को मेंडिचिनो वहां के दूसरे लिबरल MP हैं। इस दौरे का मंसूबा इजरायली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू की जानिब से वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो के इसराइल से हमास के खिलाफ जंग में शहरियों की हलाकतों से बचने के लिए बहुत एहतियात बरतने के मुतालबे पर तनकीद करने से पहले बनाया गया था। हाउस फादर ने कहा, मैं वो ज़बान इस्तेमाल नहीं करता जो वज़ीर आज़म ने इस्तेमाल की है, मैं वो लहजा इस्तेमाल नहीं करता जो उसने इस्तेमाल किया था। लेंटमैन ने कहा, वो ट्रूडो को मज़ीद मुस्तकिल मौक़िफ़ पेश करते हुए देखना चाहेंगी, जो इसराइल के अपने दिफा के हक और जिम्मेदारी की हिमायत करती है। एयर कैनेडा ने सिक्योरिटी फर्म ब्रिंग के एक मुकदमे में जवाबी कार्रवाई करते हुए कहा है कि एयरलाइन पियर्सन हवाई अड्डे पर 23.8 मिलियन डॉलर का सोना और नकदी की जरूरतमंदाना चोरी की जिम्मेदार नहीं है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में।
एयर कनाडा ने सिक्योरिटी फर्म बर्न के एक मुकदमे में जवाबी कार्रवाई करते हुए कहा है कि एयरलाइन इस साल के शुरू में टोरंटो के पियर्सन हवाई अड्डे पर अपनी सहूलियात से 23.8 मिलियन डॉलर का सोना और नकदी की जरूरतमंदाना चोरी की जिम्मेदार नहीं है। गुज़िश्ता माह बर्न की फाइलिंग के मुताबिक एक चोर 17 अप्रैल को एयर कनाडा के गोदाम में फोनी दस्तावेज पेश करने के बाद महंगा कार्गो लेकर चला गया। 8 नवम्बर को दिफा के एक बयान में एयर कनाडा ने ब्रंग के सूट में हर इल्ज़ाम को मुस्तरद करते हुए कहा कि उसने अपने कैरेज के माहदों को पूरा किया और किसी भी गलत या लापरवाह तर्ज अमल की तरदीद की। मुल्क की सबसे बड़ी एयरलाइन का कहना है कि ब्रिंग वे बिल पर होल की कीमत को नोट करने में नाकाम रहा। एक दस्तावेज जो आमतौर पर एक कैरियर की तरफ से खेप की तफसीलात के साथ जारी की जाती है और ये कि अगर ब्रिंग को नुकसान हुआ तो मॉन्ट्रियल के नाम से कसीर जहती माहदा कन्वेंशन एयर कनाडा की जिम्मेदारी को महदूद करेगा। ब्रिंग्स स्विट्जरलैंड लिमिटेड ने अपनी वजूहात के बिना पर इंतखाब किया कि वो गाड़ी की कीमत का ऐलान ना करें, सर्विसेज के प्रोडक्ट एसी सिक्योर और एयर के लिए मेयारी शर्त अदा करें और कनाडा के इल्म के मुताबिक उन शिपमेंट्स को बीमा ना कराने के लिए एयर कनाडा फाइलिंग मुंतखब किया गया में लिखा गया है। उन्होंने मजीद कहा कि ब्रिंग नतज से पूरी तरह वाकिफ था। मुकदमे में दावा किया गया है कि एयर कनाडा गाफिल था और सामान की चोरी को रोकने के लिए मुनासिब हिफाजती इकदामात पर अमल करने में नाकाम रहा। गैर मुल्की धमकी आमेज अनासिर और गैर मुल्की दहशत गर्द गिरोह सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाने और गलत मालूमात को बढ़ाने के लिए कैनेडियंस के सोशल मीडिया फीड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। गैर मुल्की धमकी आमेज अनासिर और गैर मुल्की दहशत गर्द गिरोह सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाने और गलत मालूमात को बढ़ाने के लिए कैनेडियनों के सोशल मीडिया फीड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। कनाडा की खुफिया एजेंसी के हुक्काम ने पीर को पार्लियामेंट के अराकीन को मुतनब्बा किया। गैर मुल्की मदाखलत सिर्फ इंतखाबात के दौरान नहीं होती। हेंडरसन ने मालूमात राजदारी और अखलाकियात तक रसाई से मुतालिक हाउस ऑफ कॉमन्स कमेटी के अराकीन को बताया। गैर मुल्की मदाखलत हर वक्त हर रोज होती है। कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस के असिस्टेंट डायरेक्टर चेरी हेंडरसन ने खबरदार किया कि मुखालिफ गैर मुल्की अदाकार कनाडा में इंतखाबात में मदाखलत का इंतजार नहीं कर रहे हैं। हेंडरसन ने कहा वो गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीमों के खतरे के बारे में भी बहुत फिक्रमंद है जो नौजवान कैनेडियंस को अपने मकासद की तरफ रागिब करना चाहते हैं। उनका कहना था कि ये वही हैं जिसके बारे में मैं बहुत बहुत परेशान हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ कि हमारे पास इस वक्त बहुत से कमज़ोर नौजवान हैं और बहुत सारे मुखालिफ अनासिर हैं जो उन बच्चों से फ़ायदा उठाने को तैयार हैं। कमेटी इस हद तक मुतालआ कर रही है कि कैनेडियन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ शेयर की जाने वाली ज़ाती मालूमात गैर मुल्की हुकूमतों के हाथ में किस हद तक पहुँच सकती हैं। ये समातें वफाकी हुकूमत की जानिब से कनाडा के चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर की सिफारिश पर हुकूमत के जारी करदा तमाम फोन से टिकटॉक पर पाबंदी आयद करने के महीनों बाद हुई है। ये पाबंदी उन इंतबाहात के बाद लगाई गई कि चीनी हुकूमत टिकटॉक सार्फिन के डेटा तक रसाई हासिल कर सकती है। कनाडा की जासूसी एजेंसी और कम्युनिकेशन सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट कैनेडियन सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी के हुक्काम कमेटी के सामने पेश हुए तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की तरफ से लाहक मुमकिना खतरात पर तवज्जो मरकूज की गई। हेंडरसन ने कहा कि गैर मुल्की धमकी आमेज अदाकार मुख्तलिफ टूल्स इस्तेमाल करते हैं और सोशल मीडिया अकाउंट्स को ख़त्म कर सकते हैं। कैनेडियन अपनी जिंदगियों के बारे में जितना ज़्यादा ऑनलाइन शेयर करते हैं उतना ही बेहतर वो अदाकार उन्हें निशाना बना सकते हैं और उन पर असरअंदाज हो सकते हैं। हेंडरसन ने मेम्बरान पार्लियामेंट को बताया कि धमकी देने वाले अदाकार बशमूल रूसी फेडरेशन और PRC गलत मालूमात फैलाने के लिए मीडिया का इस्तेहसाल करते हैं। ईको चैम्बर्स को बढ़ाने के लिए तजवीजाती अल्गोरिथम का फ़ायदा उठाते हैं और गैर मुश्तबा नाजरीन के लिए मवाद में हेरा फेरी करते हैं। उन्होंने कहा कि चीन और रूस के अलावा ईरान और शुमाली कोरिया भी तश्वीश वाले ममालिक की फहरिस्त में सरे फहरिस्त हैं। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बहुत से साबिक मुआवनीन का कहना है कि ट्रंप को सदर नहीं होना चाहिए। ट्रंप के खिलाफ 91 मुजरिमाना इल्ज़ाम आयद किए जा चुके हैं। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बहुत से साबिक मुआवनीन का कहना है कि ट्रंप को सदर नहीं होना चाहिए। ट्रंप के खिलाफ 91 मुजरिमाना इल्ज़ाम आयद किए जा चुके हैं जिनमें 2020 के इंतखाबात को उलटाने की कोशिशों का इल्ज़ाम भी शामिल है। ट्रंप के नाकदीन में उनके साबिक नायब सदर, साबिक फौजी मुशीर, वकला, काबीना के कुछ अरकान, मुआशी मुशीर, प्रेस हुक्काम और इंतखाबी मुहिम के अरकान शामिल हैं। डोनाल्ड ट्रंप के वाइट हाउस में सबसे तवील अरसे तक काम करने वाले चीफ ऑफ स्टाफ जॉन एफ कैली रिपब्लिकन पार्टी की प्राइमरी में ट्रंप के बढ़ते गलबे से मायूस है। ट्रंप के साबिक मुशीरों का कहना है कि
कि वो ट्रंप की उम्मीदवारी को नाकाम बनाने की कोशिशों पर भी गौर कर रहे हैं। टैग टीवी के पाकिस्तानी स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी।